गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोर्थ चैप्टर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, यानी पंचायत समिति और ब्लॉक समिति जो ब्लॉक लेवल पे हो कि क्या हो, कैसे बनती है। द मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। द पंचायत एंड द प्रधान ऑफ द विलेज पंचायत विद इन द ब्लॉक चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ब्लॉक समिति। Besides these elected representatives, there are other members of block समिति। There are, यानी जो block समिति के जो member है ये बनती है, ये ऐसे जैसे हम सरपंच या प्रधान को लोग आपस में elect करके बनाते थे, ऐसे directly नहीं बनती। क्या होता है, जो हर गांव के जो पंच यानी सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं, वो जो है अपने members को block में भेजते हैं अपने गांव की साइड से, और उनको मिला के जो है ये block समिति बनती है। और इसके अलावा इसके जो कौन कौन से मेंबर हो, तो हम अभी जो पढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ द टाउन एरिया कमेटी एंड नोटिफाइड एरिया कमेटी विद इन द ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है, चेयरमैन होता है उस टाउन के एरिया कमेटी का या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी का उसी ब्लॉक के। ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेशन विद इन द ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक में जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के हैं या MLA हैं, MP है, वो उस ब्लॉक के हैं, वो भी उसके मेंबर होते हैं। देर मस्ट बी 2 women मेंबर एंड 4 member एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन द ब्लॉक समिति। यानी कम से कम जो है 2 औरतें होनी चाहिए और 4 member होने चाहिए, कहाँ से, शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से ब्लॉक समिति में। द मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति इलेक्ट ब्लॉक चेयरमैन एंड ब्लॉक प्रमुख एंड वाइस चेयरमैन। और फिर वो जो मेंबर होते हैं ब्लॉक समिति के, वो खुद में से क्या इलेक्ट करते हैं, एक ब्लॉक चेयरमैन या फिर उसको ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है, और एक वाइस चेयरमैन। इन एवरी ब्लॉक देयर इज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी हर ब्लॉक में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BDO। ही इज़ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, ही कोऑर्डिनेट्स द वेरियस डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द ब्लॉक। और ये कौन सा ऑफिसर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, और जो उस ब्लॉक में जितने भी डेवलपमेंट स्कीम है ये उनको देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। देन द फंक्शन ऑफ ब्लॉक समिति के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लॉक समिति इज टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर वेरियस प्रोग्राम्स टू डेवलप द ब्लॉक। सबसे मेन फंक्शन क्या होता है उसका, कि स्टेट गवर्नमेंट से जो है मनी लेना, फंड्स लेना, ताकि उस ब्लॉक के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको वो ईजिली कर सकें। द ब्लॉक समिति ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट टू विलेज पंचायत टू ऑफ द ब्लॉक, सच एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, इंजीनियर, एजुकेशनल एक्सपर्ट, वेटरनरी डॉक्टर एक्सेट्रा। तो जो ब्लॉक समिति है वो क्या करती है, विलेज पंचायत को एक्सपर्ट देती है, उनके अरेंजमेंट्स करती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए उनके जो स्पेशल सेमिनार होते हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं वो टाइम टाइम पे आते हैं और वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको बताते नए नए तरीके कैसे उनको अच्छी फसल ले सके। इंजीनियर्स को बुलाते हैं जो वहाँ के जो गलियाँ हैं, रोड्स हैं, उनको अच्छे से बना सके। एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं जो सेमिनार लगाते हैं ताकि वो शिक्षा की तरफ अपने आप को ध्यान दे, अपने बच्चों को पढ़ाए। बैटर नहीं होता है, जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनको बुलाए जाते हैं, क्योंकि गाँव में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो एनिमल्स को जो है रखते हैं, हर्डिंग करते हैं। द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट फ्रीक्वेंटली विजिट्स द विलेजेस एंड टेल द पीपल हाउ टू गेट मोर प्रोडक्शन बाय इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो जो एग्रीकल्चर हैं वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट, वो टाइम टाइम पे गांव में आते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे सीड्स आए हुए हैं, कौन से फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए, कौन से नए नए तरीके हैं, मशीन्स हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। इट also advises and helps the people in improving the breed of their cattle and enables people to use different family welfare program. तो ये बताते हैं कि कैसे जो उनके वो भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, उनकी जो है ब्रीड यानी उनकी जो नस्ल है, क्या कौन कौन सी अच्छी है, कैसे उनको अच्छा करें, और कौन कौन से फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं। फिर आता है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज़ द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जस्ट एज द ब्लॉक समिति कोऑर्डिनेट्स द डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ ऑल पंचायत इन देयर एरिया, जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल ब्लॉक समिति इन देयर डिस्ट्रिक्ट। तो जिला परिषद क्या होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की काउंसिल होती है, और हाइएस्ट जो है इंस्टीट्यूशन है ये पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊपर है। सबसे नीचे होता है विलेज, फिर आता है हमारा ब्लॉक, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट।
तो जिस तरह से ब्लॉक समिति है वो ध्यान देती है अपने उसके अंडर जितनी भी पंचायत आती है उनके कामों पर, सेम वहीं पे जिला परिषद क्या करती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके अंदर जितनी भी ब्लॉक समिति आती है उन सबके कामों को वो कोऑर्डिनेट करती है। देन द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद, इसकी कंपोजिशन यानी इसको कैसे बनाया जाता है। द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, जो चेयरमैन होते हैं ब्लॉक समिति को डिस्ट्रिक्ट के, वो मिलके जो है एक जिला परिषद बनाते हैं अपने जो मेंबर्स को सिलेक्ट करके, और जो लोकसभा के मेंबर है राज्यसभा के हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस डिस्ट्रिक्ट की, वो सारे मेंबर, और उसी तरह से सेम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो, और वीमेन, तो ये इतने जो है मेंबर्स उसमें होने चाहिए। जिला परिषद इलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो उसके जो सिलेक्टेड मेंबर है जिला परिषद के, फिर वो क्या करते हैं अपना एक चेयरमैन इलेक्ट करते हैं और एक वाइस चेयरमैन। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स ए सेक्रेटरी टू जिला परिषद हु इज़ द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द परिषद, ही मेंटेन्स रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स, और जो गवर्नमेंट होती है वो भी एक अपना एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है जिला परिषद में, जो परिषद का क्या होता है एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है और वही जो है सारे रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को देखता है। फिर आता हमारा फंक्शन ऑफ जिला परिषद की, कौन कौन से फंक्शन।